नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। भामाशाह कार्ड की जगह अब बनेगा जन आधार कार्ड, आप पात्र हैं या नहीं यहाँ जाने। ये दोस्तों न्यूज आ चुकी है, अभी भी भामाशाह कार्ड बंद होंगे और उसकी जगह जन आधार कार्ड बनेंगे, और ये न्यूज़ आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस न्यूज़ को आप पूरा देखिए। पत्रिका की न्यूज है 30 अगस्त 2019 की 8:05 पर, और जन आधार योजना इसका नाम रखा गया है, राजस्थान जन आधार योजना, यानी कि सबको आधार से जोड़ना है, इसलिए जन आधार योजना शुरू की गई है। भामाशाह कार्ड खत्म कर दिए जाएंगे जो वसुंधरा सरकार द्वारा चलाए गए थे। भामाशाह कार्ड, स्वास्थ्य बीमा योजना, और इसे भी अलग नियम से लागू किया जाएगा, अलग तरह से लागू किया जाएगा। जयपुर प्रदेश में 1 सितंबर से शुरू रही आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत में भामाशाह बीमा योजना की तर्ज पर ही चलेगी। इस दौरान 12 सितंबर तक भामाशाह बीमा योजना में पहले से पात्रधारियों को तो योजना का पैकेज पहले की तरह मिलता ही रहेगा, साथ ही उस लाभ में उसी पैकेज पर आयुष्मान बीमा योजना के पात्रधारी परिवार की भी जुड़ सकेंगे। इन्हें भी इस दौरान भामाशाह जीतने की ही पैकेज दिए जाएंगे। भामाशाह में उसमें साधारण बीमारियों के लिए सालाना 30,000 और गंभीर बीमारियों में सालाना 3 लाख का उपचार पैकेज है। इसके साथ ही भामाशाह कार्ड को ख़त्म कर अब जन आधार कार्ड दिए जाएंगे, तो 13 सितंबर से आयुष्मान जैसा लाभ संभव हो जाएगा। भामाशाह कार्ड धारियों को उतनी सुविधा मिलती रहेगी, परंतु वो चेंज हो जाएगा और नए जो कार्ड धारक होंगे उनके लिए अलग से नियम लागू होंगे। 12 सितंबर को भामाशाह बीमा योजना की सालाना अवधि पूरी होती है। माना जा रहा है कि 13 दिसंबर से भामाशाह की पात्रधारियों को भी आयुष्मान बीमा योजना की तरह ही 5 लाख का उपचार पैकेज दिया जा सकता है, हालांकि इसे आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है दोस्तों, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आप पात्र है या नहीं ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। आयुष्मान भारत बीमा योजना में वे पात्र हैं जो वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में गरीबी रेखा से नीचे पाए गए थे। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे पाए गए थे, आप मिडिल क्लास फैमिली से नहीं है या ना ही उच्च, तो हाई क्लास फैमिली से नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से नहीं है, तो आप निम्न क्लास फैमिली से, यानी कि गरीबी रेखा से आप नीचे हैं। इसके लिए कोई भी व्यक्ति वेबसाइट का नाम बताऊँ दोस्तों, PMJAY.gov.in पर अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड या 2011 में जनगणना के समय दिए गए किसी अन्य नंबर के आधार पर अपना सूची में देख सकता है। तो दोस्तों, जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट राजस्थान की इंपॉर्टेंट खबरें आती हैं तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको राजस्थान से जुड़ी हर पल पल की अपडेट मिल सके। धन्यवाद।